अभी इस वक्त मैं बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर क्षेत्र अंतर्गत मंडहारी गांव में हूं। वही बता दूं कि थाना बसंतपुर क्षेत्र का ये गांव है और इस गांव में ये जो मेरे सामने जो देख सकते हैं ये जो ठेला लगा हुआ है, इस ठेले से एक तारीख को करीबन 1.5 लाख की जो सामान जो चोरी हुई थी, जिसकी शिकायत यहाँ के जो पीड़ित है उन्होंने बसंतपुर थाने में 2 तारीख को FIR दर्ज करवाने के लिए गए हुए थे। लेकिन वही बता दूं कि थाना पर भारी की लापरवाही, जरा देखिए यहाँ जो पीड़ित हैं ये जो मेरे सामने जो खड़े हैं यही वो दुकानदार हैं जिन्होंने बसंतपुर थाने में FIR करवाने के लिए 2 तारीख को पहुंचते हैं और थानेदार इनकी जो FIR दर्ज नहीं करते हैं, सिर्फ आवेदन लेकर उसको रख दिया जाता है। लेकिन वही बता दूं कि जिस तरीके से अभी पीड़ित जो दुकानदार हैं उन्होंने जिस तरीके से मेरे से बताया था कि बसंतपुर पुलिस इस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की थी, जो दुकानदार हैं उन्होंने किसी को जो आरोपी हैं जो 7 आरोपी थे उनको जैसे जानकारी देने के लिए 10,000 रुपये का डिमांड किए थे। दुकानदार 10,000 रुपये देने को भी तैयार हुए, जिसके बाद आरोपियों का पता साजी चला और वहीं बसंतपुर पुलिस जो है आनन फानन 6 तारीख को FIR दर्ज करती है और 7 आरोपियों को थाने में बैठाया जाता है। थाने में बैठाने के बावजूद पूछताछ होती है और वही बता दूं कि जब पूछताछ के बावजूद 3 आरोपी को जेल भेज दिया जाता है और 4 आरोपियों को छोड़ दिया जाता है। वही जानकारी के लिए बता दूं कि जो चोरी के जो सामान ले जाने के समय एक बुलेरो वाहन, एक मोटरसाइकिल वाहन जो यूज किया गया था उसको भी बसंतपुर पुलिस जब्ती की थी। लेकिन वही बता दूं 4 आरोपी और 1 मोटरसाइकिल, 1 बुलेरो वाहन को छोड़ दिया गया, जिससे दुकानदार जो पीड़ित है वो काफ़ी त्रस्त है। और वही बता दूं बसंतपुर पुलिस पे एक आरोप लगाते हुए इन्होंने साफ तौर पे पुलिस महानिदेशक रायपुर को भी लेटर लिखा और इसकी निष्पक्ष जांच करते हुए कार्रवाई करने की मांग भी कर रहे हैं। लेकिन वही बता दूं मैं सीधे तौर पे उन्हीं से बातचीत करना चाहूँगा कि आखिर ऐसा क्यों। भैया अभी आपके दुकान से 1,00,000 की जो सामान था, क्या क्या सामान था और किस दिनांक को चोरी हुआ था? दिनांक 1 को चोरी हुआ था, कितने मतलब लाखों की चोरी हुआ था? तो क्या अभी तक आपको क्या मतलब खाने से कुछ आश्वासन मिलता है? कितने चोर इसमें शामिल हैं? 7। कितने लोगों को जेल भेजा गया है? 3। तो फिर 4 आरोपी क्यों बच गए? 4 आरोपी थाने से ही छोड़ दिए गए। ये किन के द्वारा छोड़ा गया है? थाना पारिवारिक द्वारा। तो आपको अभी क्या क्या सामान मतलब वापसी दिया गया है? मेरे को फ्रिज, गैस टंकी, चूल्हा और किराना सामान, वही इतना थोड़ा बहुत बोरा मिला, बाकी कुछ सामान नहीं मिला। अभी तक आपने कहाँ कहाँ इसके लिए शिकायत किया था? शिकायत आपने कहाँ कहाँ किया है? बलरामपुर SP या फिर DGP IG किसको किसको दिया है? बलरामपुर SP और रायपुर। क्या आप बसंतपुर जो पुलिसिया जो व्यवस्था है उससे आप संतुष्ट नहीं है? नहीं। क्या चाहते हैं अभी? मेरे को इंसाफ चाहिए। आप देख सकते हैं जिस तरीके से इन्होंने अभी जिस सलाचारी से मेरे से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन वही बता दूं ये मेरे सामने यही वो ठेला है जहां करीबन 1.5 लाख का सामान चोरी हो जाती है और ऐसी जब बड़ी घटना जिस चोरी जैसी घटना होती है। लेकिन यहां की प्रशासन की लापरवाही जरा देखिए, इस पे आखिर एक्शन क्यों नहीं लेती है? और लगातार किसी भी मामले में आप यदि पढ़ेंगे तो पुलिस ही एक ऐसा माध्यम होता है जो न्याय दिला सकता है। लेकिन वही बता दूं यदि इस तरीके से यदि पीड़ित जो हैं उनको यदि न्याय नहीं मिलती है तो क्या आप सोच सकते हैं कि पुलिस विभाग पर वह जो उम्मीद होती है वो टूट जाएगा? इससे एक साफ तौर पर जाहिर होता है कि क्या पुलिस विभाग की कई साठगांठ तो इसमें नहीं थी कि आखिर 4 आरोपियों को क्यों छोड़ दिया गया? ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन वही मैं बता दूँ कि भैया जब आप गए आवेदन लेके तो थाना में और क्या क्या आपको बोला गया?
मैं आदिल लेके गया तो बोले कि अभी रुको साहब नहीं है, तो बोले क्या बोलते मुंशी साहब, मुंशी साहब को मेरे को दे दो, इसके बाद चले जाओ। तो मैं को ठीक है, जहाँ घटना स्थल हुआ है वहाँ दो जवान भेज दीजिए, तब तो आपको जानकारी मिलेगा कि वहाँ सही में चोरी हुआ है। तो ही मुंशी साहब दो जवान को भेजे थे। तो मतलब आपके जो स्पॉट में मतलब आए थे जवान, और आपको जब एफ आई आर दर्ज करने गए थे तो उस समय क्या बोला गया था, क्या बोल के मतलब आपको भेज दिए गए वहाँ से? वहाँ से मेरे को बोल दिए कि दो जवान जाएंगे देखने के लिए, फिर यहाँ आए तो बोले कैसे कैसे चोरी हो गया। तो मैं बोला कि एक तारीख को मैं गाड़ी लेके चला गया था नाइट पे, तो मेरे को सुबह पता मिला यहाँ से जो चोरी हुआ था। अच्छा, ये जो सात जो आरोपी थे तो क्या थाने के द्वारा मतलब पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, या फिर कैसे कैसे सातों आरोपी पकड़ा है? जो मेरे से 10,000 का डिमांड कर रहा था। एक किसके द्वारा किया गया था 10,000 का डिमांड? मेरे जरिए, मतलब वो सामान बताने के लिए कि 10,000 दोगे तो मैं सामान आपका पूरा दिलवा दूंगा। अच्छा, मतलब वो एक कौन थे, क्या नाम आप बता सकते हैं? सुरेश रवि। सुरेश रवि कहाँ के रहने वाले हैं? बसंतपुर। बसंतपुर। तो सुरेश रवि के द्वारा आपको बोला गया कि 10,000 रुपए दोगे तो आपका सामान मिल जाएगा? मिल जाएगा। तो आपने उसको 10,000 रुपए दिए? नहीं दिया, मतलब बोले कि तेल खर्चा दो, तो दिया था 1200 रुपए। अच्छा, किसको? सुरेश रवि को 1200 रुपए दिए। तो फिर जब उनको 1200 रुपए दिए, फिर वो आपको जानकारी दिए? जानकारी देने के बाद बोल रहा है कि दोपहर में आपका सामान निकल जाएगा। तो वो भी दोपहर से लेके शाम हो गया, इसके बाद नहीं पता चला, तो उसके नाम पे FIR दर्ज करवा दिया मैं, जो मेरे को बता रहा था उसी के नाम पे। तो फिर वो सुबह सबको पकड़ लिए, साहब को सूचना दिए, तो सामान को बरामद किए और उन लोग को तब मेरे को फोन किए। पुलिस विभाग की कार्रवाई से कितना संतुष्ट हैं आप? मैं संतुष्ट नहीं हूँ इसमें। तो अभी बसंतपुर पुलिस से आप क्या चाहेंगे कि किस तरीके से आपको न्याय मिलना चाहिए? मेरे को इंसाफ चाहिए, जितना मेरा नुकसान हुआ वो नुकसान भरपाई हो जाए। आप बिल्कुल देख सकते हैं कि आखिर जो आरोपी पक्ष के जो थे, जो उनके सहयोगी थे, उनके द्वारा इस दुकानदार जो पीड़ित हैं उनसे 10,000 रुपए का डिमांड करते हैं, और 10,000 रुपए का डिमांड होने के बावजूद जब इन्होंने देने की बात करते हैं तो वो जो सुरेश रवि जिनका ये नाम ले रहे हैं उन्होंने इनको पूरा जानकारी देते हैं।